हेलो एवरीवन। तो फाइनली यार आप लोगों का जेई मेंस का 24 जून शिफ्ट 2 का पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है और मैं एनालिसिस कंप्लीट पेपर का लेके आ चुका हूं। तो चलिए यार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर यार आप लोगों का 12th का वेटेज जो है 11 से काफी ज्यादा रहा था। इस बार मॉडर्न फिजिक्स का अच्छा खासा वेटेज पूछा गया पेपर के अंदर। दो दो क्वेश्चन लगभग सभी 12th के टॉपिक से पूछे गए थे। सेमीकंडक्टर से इस बार कोई भी सवाल नहीं था। कम्युनिकेशन सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया। एसी वेव ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन इस शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। ओवरऑल फिजिक्स के पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट की तरफ रहा। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का यही रिएक्शन था। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर इस बार भी ऑर्गेनिक थोड़ी सी कम पूछी गई। इनऑर्गेनिक और फिजिकल का अच्छा खासा वेटेज रहा था। साथ ही साथ जेई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और साथ ही साथ हाइड्रोजन जैसे चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए। कोऑर्डिनेशन का भी अच्छा खासा वेटेज रहा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म के साथ क्वेश्चन पूछा गया था और ऑर्गेनिक के अंदर मेजर प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे इस शिफ्ट के अंदर देखने को आप लोगों को मिल गए थे। ओवरऑल केमिस्ट्री के पेपर की बात करें तो पेपर जो है इजी रहा था। अधिकतर क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड थे और लाइन टू लाइन क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो चलिए बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स के अंदर इस बार शॉकिंगली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज काफी ज्यादा हाई रहा और थोड़े से लेंथी और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे गए, जिस वजह से स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम लग गया क्वेश्चंस को सोल्व करने में। वेक्टर 3D से भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे अप्रोक्सीमेटली। साथ ही साथ जेई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे कि रिलेशन, फंक्शंस और साथ ही साथ मैथमेटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आए थे। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछा गया, जहां पे मीन डेविएशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था। स्टैटिक्स से डायरेक्टली इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। कैलकुलस का भी इस शिफ्ट के अंदर अच्छा खासा वेटेज रहा था। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मोर ओवर इसके अंदर यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज हाई होने से पेपर जो है थोड़ा लेंदी हो गया। ओवरऑल पेपर की बात करें तो यार ओवरऑल पेपर फर्स्ट शिफ्ट की तरह इजी टू मॉडरेट ही है और थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट से कहीं ना कहीं आसान है। तो अगर हम देखें 24 जून शिफ्ट 1 का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था 24 जून शिफ्ट 2 के पेपर से। वैसे दोनों पेपर इजी टू मॉडरेट वाली कैटेगरी में रहे हैं। अगली वीडियो में यार एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पर लेकर आऊंगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अगर आपने पेपर दिया था तो किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और साथ ही साथ कितने मार्क्स आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।